एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 जो मसिया ने आयोजित किया था, उसमें हम स्पेशली थैंक्स बोलेंगे कि गवर्नमेंट के पूरे हायर अथॉरिटीज़ इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब ने जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दी, एज वेल सेंट्रल मिनिस्ट्री गडकरी साहब यहाँ पे आ गए, उनका कंप्लीट मिनिस्ट्री यहाँ पे था, कंप्लीट सेक्रेटरीट यहाँ पे था, तो पूरे इंडस्ट्री के साथ बहुत बहुत इन डेप्थ चर्चा हुई है। उसके अलावा मराठवाड़ा अभी ग्रोथ इंजन बोल के आगे कैसे काम करेगा उसके ऊपर एक मीटिंग हुआ है। इसका ही फॉरवर्ड ऐसा है कि दो दिन के बाद एक एक मंत्रालय में भी मीटिंग है। ये एग्जीबिशन का सबसे बड़ा फलित यह है कि 450 एग्जीबिटर मराठवाड़ा के मराठवाड़ा रीजन में ऑल ओवर इंडिया से आए थे, जो इंटरनेशनल एग्जीबिटर भी यहाँ पे आए थे। इसमें के करीबन 415 एग्जीबिटर फिर से एग्जीबिट नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं, और 200 एग्जीबिटर ने हमें बोला है कि हम एग्जीबिट करेंगे। ऐसे नेक्स्ट टाइम 600 तक ये आंकड़ा जाने वाला है। सबसे बेनिफिट यह है कि इसमें से 150 करोड़ का बिजनेस हुआ है एग्जीबिटर का। इसमें करीबन 1,05,000 लोग विजिट करने आए हैं, कम से कम 4,95,000 विजिटर्स ने डायलॉग किया है विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस एंड इंक्वायरी। करीबन 9,000 इंक्वायरीज बिजनेस जनरेट हुए हैं। बहुत सारे इनपुट्स आए हैं, बहुत सारे सजेशंस आए हैं, लेकिन इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर ये 4 दिन का कुछ ऐसा एक इवेंट नहीं था। इसमें कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, करीबन 5,000 लोग ये कॉन्फ्रेंस को ऑल ओवर महाराष्ट्र से आए थे। इसमें युवा संवाद हो एग्रो कॉन्फ्रेंस है या एनर्जी कॉन्क्लेव है, ऐसे बहुत सारे विषय मसिया ने फर्स्ट टाइम सिटीजन्स के लिए दिए थे। तो हमें लगता है कि मसिया का ये जो प्रोजेक्ट है, इसे न केवल मराठवाड़ा महाराष्ट्र, पूरे नेशन वाइड इसने बहुत अच्छा सराहा है। इसका एक अच्छा भी ऐसा है कि अभी हमारा एक मीटिंग 4 तारीख को जर्मन मिनिस्ट्री के साथ हो रहा है, जिसमें हम औरंगाबाद में जर्मन मिनिस्ट्री को इनवाइट कर रहे हैं कि औरंगाबाद में इन्वेस्ट करो। अभी पुणे सैचुरेट हुआ है, मुंबई सैचुरेट हुआ है, और औरिक में अगर हमें अगर अट्रैक्शन करना है तो ये AME एक्सपो ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसी आशा करते हैं कि जर्मन इन्वेस्टमेंट अगले कुछ दिनों में औरंगाबाद में आएगा, IT इंडस्ट्री औरंगाबाद में आएगा, ऑटोमोबाइल का कुछ बड़ा जायंट औरंगाबाद में आएगा, जो कि औरंगाबाद की एक खासियत है। अभी औरंगाबाद का जो उद्योजक है वो ऑटो कंपोनेंट से ऊपर प्रोडक्ट में जा रहा है, तो ये आगे चल के एग्जीबिशन सेल्फ सस्टेनेंस मोड पे जाएगा और बहुत सारी एक पॉजिटिविटी ये शहर से क्रिएट होगी, और एक इंटरनेशनल टूरिज्म इंडस्ट्री टूरिज्म यहाँ पे डेवलप होगा, जो अपने हेरिटेज को सपोर्ट करेगा, ऐसे मसिया को लगता है। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि मुख्यमंत्री साहब फर्स्ट टाइम औरंगाबाद आए थे, और ये एग्जीबिशन के कारण उनका एक पॉजिटिव अप्रोच मसिया के साथ हुआ है। औरंगाबाद की और मराठवाड़ा की SME बहुत सक्षम है, उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया है, और मराठवाड़ा अगर आगे जाना है तो एग्रो फूड प्रोसेसिंग में कुछ आगे जाना चाहिए, और वो गिफ्ट उन्होंने दिया है कि अगले 6 महीने में 600 हेक्टर में वो एक फूड पार्क बना रहे हैं, लेडीज़ के लिए स्पेशल रिजर्वेशन है। मुझे लगता है कि एग्रो इकोनॉमी इससे बहुत बढ़ेगी, और फूड प्रोसेसिंग जो आज इटली या तुर्की का कैपिटल है, उनका मेजर इकोनॉमी है, वो अगर मराठवाड़ा में ग्रो होता है तो हम वर्ल्ड में फूड प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा काम करेंगे। और गडकरी साहब ने जो यहाँ पे विजिट दिया था, अभी नया पॉलिसी ड्राफ्टिंग में चालू है MSME का, तो गडकरी साहब ने हमें इनपुट्स मांगे हैं कि नेशन वाइड हम SME को स्ट्रेंथन करने के लिए अपने को क्या लगता है, SME को क्या देना चाहिए, वो कुछ इनपुट्स मांगे हैं, जिसमें हमने CLCSS टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन का स्कीम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का थीम हो, या लेबर इंसेंटिव पॉलिसीज बनने चाहिए, ना कि कैपिटल इंसेंटिव। ये बहुत सारे इनपुट गडकरी साहब ने लिए हैं, तो हमें लगता है कि हमारे रेगुलर परसुएशन से और ये पॉजिटिव इंटरेक्शन से आगे चल के मसिया कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएगी इंडियन MSME के ग्रोथ के पॉलिसी फॉर्मिंग में।
थैंक यू. नमस्कार, मी संजय शिंदे. औरंगाबाद अपडेट्सला माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा. औरंगाबाद अपडेट्स तुम्ही जरूर वाचत राहा, बघत राहा, ऐकत राहा. धन्यवाद. थँक्यू.